वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्किन केयर वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम सब की बेसिक प्रॉब्लम कि घर पे फेशियल कैसे करें। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम घर पे फेशियल कैसे कर सकते हैं घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए कोई भी फेशियल किट हमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए हमें पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम घर पे एक्स्ट्रा ग्लो के लिए फेशियल कर सकते हैं। घर पे फेशियल कैसे करें और घर पे वो पार्लर वाला या फिर पार्लर से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो हम अपने फेस पे कैसे दे सकते हैं, और अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम अपने स्किन पे फेशियल वाला ग्लो कैसे दें। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मिनटों में विद 3 स्टेप्स हम अपने फेस पे फेशियल वाला ग्लो कैसे ला सकते हैं, यानी हम घर के इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने चेहरे पे फेशियल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम 3 स्टेप्स में फेशियल और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारे आज के फेशियल का मेजर इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। कॉफ़ी में प्रेजेंट बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे स्किन को ग्लो देने में, हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार और फेयर बनाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके पास ये कॉफ़ी नहीं है तो जल्दी से कॉफ़ी ले आए और अब हम करेंगे फेशियल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्लींजिंग, और क्लींजिंग के लिए रॉ मिल्क से बेटर इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ रॉ मिल्क। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको फेस और नेक दोनों की क्लींजिंग करनी हो या मसाज करनी हो। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 4 टेबलस्पून ले लिए हैं। आप अपने फेस और नेक दोनों के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके बाद मैं इस रॉ मिल्क पे ऐड करूँगी वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी, और इसका डिस्क्रिप्शन इसके बारे में सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है आपको, आप ज़रूर चेकआउट करें। तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टेबल स्पून से भी कम ऐड करना है आपको, जस्ट फॉर क्लींजिंग आवर फेस। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मेजर फेवरेट इंग्रेडिएंट कॉफ़ी, इसे भी हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। दैट्स इट। और इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और कॉटन की हेल्प से हम अपने फेस को क्लींजिंग करेंगे। इस तरह से आपको क्लींजिंग कर लेनी है अपने फेस पे। दो से 3 मिनट तक आप क्लींज करें अपने फेस को। और क्लींजिंग करने के बाद नॉर्मल वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर लें। सिर्फ और सिर्फ क्लींजिंग का ग्लो देख रहे हो फेस पे। और इसके बाद हम अपने स्किन को करेंगे एक्सफोलिएट, और एक्सफोलिएशन के लिए बेस्ट अगेन हमारा बेस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। और कॉफ़ी से बेस्ट एक्सफोलिएटर विद हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे स्किन को इतना चमकदार और ग्लोइंग बना देगा कि आप बस देखते रह जाओगे अपनी स्किन को। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 चम्मच कॉफ़ी लिया है, और कॉफ़ी के बाद मैं यहाँ पे करीब 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी। शुगर अगेन घर का नेचुरल एक्सफोलिएटर, हमारे स्किन को कमाल का एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है, कमाल का एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को। तो आप इसे एज अ मेजर इन्ग्रीडियंट अपने स्क्रब पे ऐड करें और अपने स्किन को एक्सफोलिएट करें। और इसके बाद हमारा 3rd एंड लास्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पैराशूट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल सोच सकते हैं। हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत इफेक्टिव है। बस दैट्स इट।
दो मिनट तक आप इसे ऐसे ही स्क्रब करें, एक्सफोलिएट करें अपने फेस को इस बेस्ट नेचुरल एक्सफोलिएटर से, और इसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। ग्लो देख रहे हो मेरे फेस पे? ये एक्स्ट्रा ग्लो एंड एक्स्ट्रा शाइन ऑन माय फेस। तो जल्दी से यूज करो इस स्क्रब को, और अब हम बनाएंगे फेस पैक जो हमारे स्किन को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लो देगा। इसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप है फेस पैक, और फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीब 2-3 टेबल स्पून ऑफ रॉ मिल्क, और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मेजर इंग्रेडिएंट कॉफ़ी पाउडर। यहाँ पे करीब 1 चम्मच से 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैं इस फेस पैक में मिक्स करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी पाउडर, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। स्किन को टाइटनिंग और बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इस फेस पैक को बना रही हूँ क्योंकि मुझे फेस और नेक दोनों पे अप्लाई करना है। That's it. अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आई थिंक यहाँ पे रॉ मिल्क थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट कोई ना, आप थोड़ा कम ले लेना अगर आपको एक हार्ड कंसिस्टेंसी चाहिए तो। बट मैं इसी फॉर्म में इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, और इसमें मैं लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ होममेड रोज पेटल पाउडर। ये मैंने घर पे बनाया है, ये तो ईजिली मार्केट में मिल जाता है, बट इसे मैंने घर पे बनाया है और ये बहुत इफेक्टिव है हमारी स्किन को ग्लोइंग प्रोवाइड करने के लिए, हमारी स्किन से टैनिंग वगैरह हर चीज़ रिमूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करीब 1 टेबलस्पून रोज पेटल पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। इसे थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी देने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी और ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। कोशिश करें कि आप इसकी ऐसी थिन लेयर ही अप्लाई करें अपने फेस पे, और अगर आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा टाइटनिंग इफेक्ट देना है तो आप इसमें रॉ मिल्क कम यूज़ करके, यानी मुल्तानी मिट्टी आप इसमें ज़्यादा डाल के आप इसे गाढ़ी कंसिस्टेंसी ले सकते हैं इस फेस पैक की, और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्टी में जाने से पहले ये फेशियल ट्रीटमेंट घर पे ज़रूर ट्राई करें आप अपने फेस पे, इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। मैंने पहले भी ट्राई किया था और इसीलिए आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये फेशियल ट्रीटमेंट एट होम। दैट्स इट, और अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे और इसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। और अपना फेस मैंने कर लिया है वॉश आफ्टर अप्लाइंग द फेस पैक, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस फेशियल, और ग्लो तो दिख रहा होगा आपको मेरे फेस पे, चमक रही है स्किन तो। और ऐसा ग्लो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।